रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा, जनादेश हम स्वीकार करते हैं, विपक्ष को अच्छी सीटें मिली हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए 292 सीटें दी हैं, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। एनडीए का कोई साथी इधर उधर नहीं जाएगा, अफवाहें फैलाई जा रही है। मुझे लगता है कि डेट के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जिस तरह रुझान आए है और जो मैंडेट है, मैंडेट जो है हम स्वीकारते हैं। अपोजिशन को भी अच्छी सीटें मिली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का भी मतलब जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी लोगों ने हमारे ऊपर दे दी है। हमें 292 सीटें मिली है, मतलब इनसे सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के है कोई इधर उधर जाएगा नहीं, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन एनडीए के जो पार्टनर है, जो नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है और बाकी की जो छोटी मोटी पार्टियां सब है, ये सभी पार्टियां मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। त्रिवंतमपुरम लोकसभा सीट से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, हम काफी खुश हैं, जनता ने हम पर विश्वास जताया है। INDI गठबंधन की बैठक होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। जनता बदलाव चाहती है और ये उन्होंने नतीजे में दिखाया है। जब एग्जिट पोल आए थे तभी मैंने उसे गलत बताया था। हम काफी खुश है, मैं तो 100 के बारे में सोच रहा था, 99 मिले तो ठीक है, एक कम है, लेकिन जनता तो हम पे जो विश्वास रखे हैं ये तो हम पूरी करेंगे 99 से या 100 से। सर, प्रधानमंत्री मोदी की शपथ की डेट आ गई, 8 जून को बताया जा रहा है कि शपथ लेने हैं। अच्छा, ठीक है, देखते हैं, राष्ट्रपति इनको बुलाया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। खासा लगातार मीटिंगों का भी दौर जारी है, एनडीए की भी मीटिंग चल रही है, साथ में आप लोगों की भी, इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग। जी जी, नेचुरली रिजल्ट आने के बाद लोग को मिलना पड़ेगा आपस में, तो ये अच्छी बात है, ये हो रही। इंडिया अलायंस के सारे नेता मेरे ख्याल में आज आए हैं, देखते हैं क्या होता है। खड़गे जी ने कल मैसेज भी दिया था कि लगातार मीटिंग का दौर जारी है, हम भी मीटिंग कर रहे हैं, आगे पत्ते खोलेंगे। क्या कुछ खास, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की और? देखते हैं भाई, ये सब मैं तो अभी हवाई जहाज में बैठा था 3.5 घंटे, अभी आया हूँ तिरुवनंतपुरम से, मैं क्या बताऊँ आपको। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा, PDA की रणनीति और INDI गठबंधन का साथ जनता ने दिया है, आगे की रणनीति के लिए जा रहे हैं, बातचीत होगी उसी हिसाब से रणनीति होगी, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। PDA की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी उसी बार रणनीति बनेगी। सर, कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई हमारे से कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा, आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा, हम भारतीय मिलकर चलेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा, आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है।